उपचुनाव से पहले यूपी में जाति की राजनीति। योगी सरकार के फैसले पर मायावती का प्रहार। योगी सरकार ने ओबीसी की 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया है, लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ यूपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीएसपी और एसबीएसपी ने इसको लेकर सीएम योगी पर तीखा हमला बोला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फैसले को संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये 17 जातियों के साथ बड़ा धोखा है। योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है और पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी है। इससे ये साफ है कि योगी सरकार की मंशा पूर्व की सपा सरकार की तरह ही इन 17 जातियों के लोगों को धोखा देने की नीयत से ही किया गया है। मायावती का कहना है कि जिन 17 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में डाला गया है, उन्हें ना तो ओबीसी का लाभ मिल पाएगा और ना ही एससी का, क्योंकि सरकार का फैसला असंवैधानिक और गैरकानूनी है। बीएसपी अध्यक्ष का कहना है कि कोई भी राज्य सरकार एक आदेश के जरिए किसी जाति को दूसरी कैटेगरी में ना तो डाल सकती है और ना ही हटा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 के भाग 2 में ये भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक बार जो अधिसूचना अनुच्छेद 341 के भाग 1 के तहत जारी कर दी गई है तो उसे बदलने का अधिकार केवल संसद को ही है। योगी सरकार ने जिन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का फैसला किया है वो जातियां हैं निषाद, बिंद, मल्हा, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इन 17 जातियों के परिवारों को नए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले योगी कैबिनेट के फैसले से घमासान छिड़ गया है, क्योंकि ये पूरा मसला वोट बैंक से जुड़ा है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी इस फैसले के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने एससी का कोटा बढ़ाने की भी मांग कर दी है। सरकार से ये मांग करते हैं कि जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण है उसमें से 17 जातियों का जो हिस्सा है उसको निकाल करके अनुसूचित जाति के कोटे में सम्मिलित कर दिया जाए ताकि वहां भी विरोध न हो। हालांकि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद नई नहीं है, पिछले 2 दशक से ऐसी कवायद जारी है। 2005 में एसपी और उसके बाद बीएसपी सरकार में भी ऐसा फैसला लिया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। मायावती खुद कई बार संसद में इसकी मांग कर चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकारों ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इन जातियों को एससी में शामिल करने का फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा, यानी अगर कोर्ट का अंतिम निर्णय आदेश के खिलाफ होगा तो इन जातियों को एससी में शामिल नहीं किया जाएगा। उस समाज में कितने लोग छूट गए थे उसके बारे में भी नहीं सोचा। ऐसी 17 जातियां हैं जिसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सम्मिलित किया है। मायावती जी को खाली इतना जवाब देना चाहिए कि 2003 में आप भी थी, उसके बाद आप भी आई सरकार में, मगर आपने क्या किया। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसी वजह से विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बता रही है। उपचुनाव से पहले इसको लेकर घमासान और तेज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।